गैल्वेनिक सेल जिसे वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेस्ट एग्जांपल जो कि हमारी डेली लाइफ से है गैल्वेनिक सेल की, वो सेल जो हमारे घर में रिमोट कंट्रोल में यूज़ होता है, टॉयज़ में या फिर टॉर्च में यूज़ होता है। इन सेल में हमारे पास केमिकल को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जहाँ तक बात है कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक गैल्वेनिक सेल है। इसमें हमारे पास जो है टू कंटेनर्स हैं। फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और इस जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है, जबकि सेकेंड कंटेनर में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में हमारे पास कॉपर रॉ इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। इन टू इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया है वायर के थ्रू। साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन दो कंटेनर्स को जो कि आपस में कनेक्ट कर रहा है वो एक साल्ट ब्रिज है। अब इस साल्ट ब्रिज का क्या काम है? ये साल्ट ब्रिज जो होता है ये बैलेंस करता है हमारे पास चार्ज को वोल्टिक या फिर गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है गैल्वेनिक सेल में, तो अब हमारे पास कौन से सेल में ऑक्सीडेशन और कौन से में रिडक्शन होगी? अगर बात की जाए यहाँ पर ये एक कंप्लीट सेल है जिसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें कंटेनर्स की, यहाँ पर मौजूद टू कंटेनर्स हैं। एक है जिंक सल्फेट का कंटेनर एंड दूसरा है कॉपर सल्फेट का कंटेनर। अब जिंक सल्फेट का कंटेनर जिसमें हमारे पास जिंक रॉड डिप है, इसे हम कहेंगे वन हाफ सेल, ठीक है। एंड दूसरा जो हमारे पास हाफ सेल है वो है हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप है। तो ये हमारे पास इस तरीके से टू हाफ सेल है, और जब ये टू हाफ सेल कनेक्ट होते हैं तो एज अ रिजल्ट ये कंप्लीट वोल्टिक या फिर गैल्वेनिक सेल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है इस सेल में, तो कहाँ पर कौन से हाफ सेल में ऑक्सीडेशन और फिर कौन से हाफ सेल में रिडक्शन होगा? तो हमारे पास जहाँ तक बात की जाए जिंक की, तो जब कभी हमारे पास जो मेटल होता है सॉलिड की फॉर्म में होता है और यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और जबकि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन जो है, एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होते हैं? आयंस मौजूद होते हैं और हम जानते हैं कि आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कहाँ पर ऑक्सीडेशन किस हाफ सेल में होगी और रिडक्शन कौन से हाफ सेल में होगी, तो याद रखिए कि जो जिंक होता है ये इसका जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी होती है वो वीकर होती है एज़ कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। दैट्स वाई जो कॉपर होगा ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा क्योंकि इसकी पुलिंग एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जिंक। तो यहाँ से डिसाइड हुआ कि हमारे पास जो जिंक होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा जबकि कॉपर जो होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने बात की कि हमारे पास ऑक्सीडेशन जो होगा जिंक ऑक्सीडाइज होगा एंड कॉपर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो याद रखिए कि हमारे पास जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ये एज एन एनोड बिहेव करेगा, जबकि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड, क्योंकि हमारे पास जो एनोड होता है इस पे ऑक्सीडेशन होती है। दैट्स वाई जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है जबकि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस होता है गैल्वेनिक सेल में। फ्रेंड्स याद रखिए कि हमारे पास मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स जो कि इस गैल्वेनिक सेल में मौजूद हैं, जो कि जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर मौजूद तमाम एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जबकि अगर बात की जाए हमारे पास इस सेल में मौजूद एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद मेटेलिक आयंस की, तो हम जानते हैं कि जिंक के ऊपर जो है जिंक सल्फेट में एंड कॉपर पर कॉपर सल्फेट में प्लस टू चार्ज होता है, ठीक है। यही वजह है कि ये जो होते हैं आयोनिक मेटल्स ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं सोल्यूशन में।
चलिए बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की इस गैल्वेनिक सेल में। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होती है वो जिंक ऑक्सीडाइज होता है। किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है कि ये मेटालिक इलेक्ट्रोड पर मौजूद जो जिंक होता है जब टू इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो एज अ रिजल्ट जिंक जो है न्यूट्रल एटम से ऑक्सीडाइज हो जाता है जिंक प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जैसे ही जिंक टू इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ये टू इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू मूव करते हैं टूवर्ड्स द कैथोड और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जिंक हमारे पास एनोड पर मौजूद होता है, हमने जैसे कि अभी बात की कि इलेक्ट्रोड पर तमाम के तमाम न्यूट्रल एटम्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जिंक जो है प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमारे पास ये जो जिंक प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होता है अब इस मेटेलिक इलेक्ट्रोड का पार्ट नहीं रहता बल्कि इस एक्वस सोल्यूशन में आके डिसॉल्व हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जिंक से मूव किए थे टुवर्ड्स द कॉपर की तरफ, अब यहाँ पर जो कॉपर है यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर सल्फेट है। ठीक है, यहाँ से कॉपर सल्फेट में मौजूद जो कॉपर जिसके ऊपर प्लस टू चार्ज है इन टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉपर जो है टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा कॉपर प्लस टू से न्यूट्रल एटम में और अब हमारे पास ये अटैच हो जाएगा इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्योंकि इसने टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और एज अ रिजल्ट कॉपर प्लस टू से ये रिड्यूस हो गया है कॉपर जीरो में। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यूसली हमारे पास जिंक जो होगा ऑक्सीडाइज होगा एंड कॉपर रिड्यूस होगा और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि जिंक जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता जाता है जिंक प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता जाता है और ये हमें मालूम है कि ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं रहता बल्कि ये एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व होता जाता है जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जिंक का इलेक्ट्रोड जो होगा थिनर होता जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का इलेक्ट्रोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और एज अ रिजल्ट कॉपर सल्फेट जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है इसमें मौजूद कॉपर जो होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर आके अटैच होते जाते हैं और एज अ रिजल्ट कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज जो होता है वो बिगर होता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाती है इस और ये हमारे पास टू हाफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जो है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का इलेक्ट्रोड वन हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट्स वाई इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप है ये सेकेंड हाफ सेल है क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, दैट्स वाई इसको रिडक्शन हाफ सेल कहा जाता है और ये दोनों जब हाफ सेल कंबाइन होते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल बनता है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से From anode towards cathode. सेल नोटेशन जो कि रिप्रेजेंट करती है रिडॉक्स रिएक्शन को किसी भी सेल में, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे, इसके बाद टू लाइंस को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को और उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो था पहले हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा और ऑक्सीडेशन हमारे पास कौन ऑक्सीडाइज हो रहा था, इस केस में हमारे पास जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था सॉलिड से प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा था, दैट्स वाई सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा और इसके दरमियान हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, इसके बाद टू लाइंस को ड्रॉ किया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है साल्ट ब्रिज को और इसके बाद फिर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। जैसे कि हमने देखा कि कॉपर प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट से जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था कन्वर्ट हो रहा था सॉलिड की फॉर्म में और इसके दरमियान भी हमने एक लाइन ड्रॉ की। इस तरीके से हमें ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट सेल के रिएक्शन को।